धर्म और आस्था की नगरी संगम में लगने वाले माघ मेले में यूं तो पूरे महीने तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मौका महाशिवरात्रि का हो तो इसका रंग श्रद्धालुओं के सर चढ़कर बोलता है। ऐसा ही नजारा आज संगम क्षेत्र में देखने को मिला। महाशिवरात्रि के मौके पर संगम तट पर बिस्किट का अनोखा शिवलिंग बनाया गया। इसे देखने के लिए संगम पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। 1151 बिस्किट से विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये शिवलिंग बनाया, जो खजुराहो स्थित शिवलिंग प्रतीक है। शिवलिंग का निर्माण करने वाले छात्र ने कहा कि खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का ये शिवलिंग प्रतीक है, जो 1151 बिस्किट से तैयार किया गया है। इसको बनाने में हमें एक दिन का समय लगा। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ इस शिवलिंग की पूजा की गई। संगम में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो मेले के बाद भी संगम पर मेले जैसा नजारा ही हमेशा बना रहता है। दूर दराज से आकर श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शंकर से जो कुछ भी कोई भी मांगता है उसको प्राप्त होता है। संगम तट पर शिवलिंग के दर्शन से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि संगम तट पर सुबह से ही स्नान और ध्यान जारी है। बिस्किट के शिवलिंग के दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। इस दौरान डमरू और शंख की ध्वनि से शिवलिंग की महाआरती भी की गई। गौर करने वाली बात ये है कि 44 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले की महाशिवरात्रि पर्व पर स्नान ध्यान के बाद मेले की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए महाशिवरात्रि के मौके पर संगम में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली।